हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका इस आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और नया एक चैप्टर लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसको हम बोलते हैं कोरल रीफ्स या प्रवाल भित्ति। कहीं ना कहीं नाम सुना होगा आपने या पहले पढ़ा होगा। क्या होते हैं प्रवाल भित्ति, क्या होता है कोरल रीफ्स, इंग्लिश में बोलते हैं कोरल रीफ्स, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रवाल भित्ति। एक तरह का यह जीव होता है। क्या होता है? जीव होता है, जिसे मूंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये मूंगा एक तरह का जीव होता है, जो कि कहाँ पनपता है? पानी के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर पनपता है। अब ये काम क्या करती है प्रवाल भित्ति, आपके अंदर चैप्टर क्यों दिए गए? ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए है मेनली, पर आगे भी काम आएगा, इसलिए सभी जने ज्योग्राफी से रिलेटेड जो जो हैं वो सभी देख सकते हैं। तो मेन बात ये है कि ये प्रवाल भित्ति होती क्या है, प्रवाल भित्ति क्या है, इससे क्या बनता है? तो इससे एक द्वीप का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? द्वीप का निर्माण होता है। तो द्वीप का निर्माण कैसे होता है, द्वीप का निर्माण कैसे होता है, किन क्षेत्रों में होता है, किन क्षेत्रों में होता है, तो और अगर ये प्रवाल भित्ति अगर जीव है तो इनके विकास की इनकी विकास की दशाएं क्या क्या है। देखो तीन चार क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि प्रवाल भित्तियाँ होती क्या है, तो ये मूंगा से बनती है, ये क्या है, द्वीप कैसे बनते हैं, किन क्षेत्रों में होते हैं, इनके विकास यानी मूंगे के विकास की दशाएं क्या क्या है, और एक लास्ट पॉइंट एक और रह जाता है कि प्रकार कितने मूंगा से निर्मित द्वीपों के, किसके, मूंगा तो एक द्वीप है, सॉरी एक जीव है, जिससे क्या बनती है प्रवाल भित्ति, ये कैसे बनती है, क्यों बनती है, उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन इनके प्रकार भी होते हैं। प्रकार किसके होंगे? मूंगे के प्रकार नहीं होंगे, प्रकार किसके होंगे? जो उससे निर्मित स्थलाकृति है, स्थलाकृति तो नहीं कह सकते क्योंकि ये पानी में बनती है, तो जो आंतरिक रूप में बनने वाली एक स्थलाकृति है जिसको द्वीप बोलते हैं। ये द्वीप अनेक अनेक प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखो मैं समझाता हूँ आपको, ये पूरा जलीय क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर पूरी दूर पानी 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 है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये मूंगा द्वीप एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, ये जैसे यहाँ पर 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 ऐसे ऐसे रहते हैं। ये क्या होता है, एक समय आने पर इतने ज़्यादा हो जाते हैं और इतने ऊंचाई तक पहुँच जाते हैं कि ये एक, ये तो जलीय राशि थी, अभी जलीय राशि से ऊपर उड़ गए, और जो भी भाग जलीय राशि से ऊपर होता है और चारों ओर से जल से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप की संज्ञा देते हैं। क्या संज्ञा देते हैं? द्वीप की संज्ञा देते हैं। तो ये मूंगा होता क्या है? यह एक प्रकार का जीव होता है जो कि पानी के अंतर्गत पनपता है। अब इसकी विकास की दशाओं में हम अध्ययन अच्छे से और करेंगे कि क्या क्या होता है। यह लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए, शुद्ध जल चाहिए इनको, और यह ज़्यादा गहरे जल में नहीं पनप सकते हैं। अगर जैसे कि आगे बात की जाए यहाँ पर जल है तो ये लगभग यहाँ पर होंगे, ये गहराई में नहीं पनप सकते। क्यों? क्योंकि इनको सूर्य की रोशनी की या ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसके बिना यह मर जाते हैं, यानी अत्यधिक गहरे पानी में यह पनप नहीं सकते। अब यह द्वीप बनता कैसे? तो जो ये जैसे कि माना कि अगर मैं एक मूंगा द्वीप लेता हूँ, ये एक लेता हूँ मूंगा, जैसे कि ये मूंगा माना कि ये क्या करता है, अपने चारों ओर चूने की खोल बनाता है। जैसे मानव कंकड़ पत्थर ईंटों वगैरह से क्या बनाता है, अपना घर बनाता है और फिर उसके अंतर्गत रहता है, ये मूंगा भी कुछ इसी प्रकार से करता है। ये क्या करता है कि अपने आसपास के क्षेत्र से एक प्रकार का केमिकल रिलीज करता है जिससे क्या बनता है, तो चूना बनता है, और उस चूने की खोल में यह रहता है। ये मान ले कि जैसे ये ब्लैक वाला जो है ये चूने की खोल है, ये इसी के अंतर्गत रहता है। पर लेकिन जिस तरह मानव की भी एक स्टेज के बाद मानव ऊपर चला जाता है यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार मूंगा भी जो द्वीप कैसे बनाता है, वो जो ये एक मूंगा है यह अपना आसपास तो क्या करता है, चूने की खोल को निर्मित करता है। चूने की खोल बन जाने के बाद कुछ समय बाद यह अपने प्राण त्याग देता है और यह मर जाता है और उसका कंकाल वहीं रह जाता है। फिर जो दूसरा मूंगा है इसी के ऊपर अपना घर बसा लेता है, दूसरा मूंगा इसी के ऊपर घर बसा लेता है, फिर वह भी क्या करता है, चूने की खोल निर्मित करता है, फिर इसी तरह यह मर जाता है, फिर इसके ऊपर दूसरा मूंगा, उसके ऊपर तीसरा मूंगा, ऐसे करते करते यह प्रक्रिया चलती रहती है। और एक समय आने के बाद ये जलीय राशि से कुछ ऊपर उड़ जाते हैं,
जैसे कि अगर ये जलीय राशि है और ये यहाँ पर मुंगा द्वीप इस तरह एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर मरते जाते हैं और एक द्वीप नुमा आकृति का निर्माण करते थे। जब यह क्षेत्र उस जलीय राशि से ऊपर की ओर आ जाता है और मानव को बाहर दिखाई देने लगता है तो वो क्षेत्र ही क्या कहलाता है, मुंगा निर्मित द्वीप, जिसे प्रवाल भित्ति भी कहते हैं, कोरल रिप्स भी कहते हैं। आपको समझ आया होगा किस प्रकार यह प्रक्रिया होती है, क्यों यह द्वीप का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले इसकी विकास की दशाएं। प्रवाल के विकास की दशाएं देखते हैं। यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंध क्षेत्र में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, मुख्य मुख्य बातें हैं, यह आपको नोट डाउन करनी है, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, कॉपी में नोट कर लो तो बेहतर है, क्योंकि इससे संबंधित सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि प्रवाल के विकास की दशा यानी किस प्रकार प्रवाल का या कोरल रिफ का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बात है। यह मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे। मैंने पहले ही बता दिया आपको 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य यह प्रवाल भित्ति पाई जाती है या प्रवाल विकास करता है। इसके जीवन जीवित रहने के लिए 20 से 22 या 21 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अधिकतर इतना हो सकता है अधिकतर, और इससे ज़्यादा होने पर प्रवाल मर जाते हैं। कैसे मरते हैं आगे देखते हैं। प्रवाल कम गहराई में पाए जाते हैं। देखो पहले ही बता दिया, पहला तो ये पानी स्वच्छ होना चाहिए, एकदम भी स्वच्छ नहीं हो, अपने आरओ वाला पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बेचारे मर जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा वो होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका इनका भोजन क्या है, मैंने पहले बताया आपको, चूना इनका भोजन है और उसी में ये निवास करते हैं। कम गहराई होनी चाहिए, फिर एक कितनी होनी चाहिए, लगभग 200 से 300 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा गहराई में जाने पर यह मर जाते हैं। भाई सब क्यों मर जाते हैं, क्योंकि इनको सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं हो पाती है। इनको जिस तरह एक पौधे को पनपने के लिए सूर्य भी चाहिए, यानी कि प्रकाश भी चाहिए, पानी भी चाहिए, मृदा भी चाहिए, इसी प्रकार कोरल रिफ जो होते हैं, प्रवाल भित्ति होती है, उसे भी मुंगा को भी एक निश्चित गहराई चाहिए, एक निश्चित क्षेत्र चाहिए, एक निश्चित पानी चाहिए और निश्चित प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश कितना चाहिए, लगभग 20 से 21 डिग्री सेंटीमीटर तापमान होना चाहिए सेंटीग्रेड, और 200 से 300 मीटर की गहराई वाले क्षेत्र में यानी उथले पानी में ही यह विकास कर सकते हैं। प्रवाल के विकास के लिए स्वच्छ जल आवश्यक होता है, प्योर नहीं बोल रहा हूँ, स्वच्छ, यानी कि थोड़ा बहुत स्वच्छ, एकदम स्वच्छ भी काम नहीं, आरओ वाला काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आरओ वाला काम नहीं चलेगा, जो एकदम प्योर होता है वो नहीं काम का इनके लिए। सागरीय लवणता प्रवाल के लिए हानिकारक होती है। सागर में क्या पाई जाती है, लवणता पाई जाती है, अलग 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 केमिकल्स पाए जाते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि लगभग 70 से 72% तक क्या है पृथ्वी पर, तो जलीय राशि, इस जलीय राशि में से पीने योग्य लगभग 0.23% है, तो बाकी सब पानी कैसा है, लवणीय, खारा है या क्षारीय, ठीक है ना। तो सागरीय लवणता प्रवाल के लिए हानिकारक होती है, यह मुंगा को मार देती है, यह जीवित नहीं रहने देती है, क्यों, क्योंकि इससे उनके भोजन का निर्माण नहीं हो पाता, वह जो चूना चाहिए उनको चूना नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं और नहीं जी पाते हैं। सागरीय तापमान में वृद्धि के कारण प्रवाल विरंजन हो जाते हैं। अब ये विरंजन, विरंजन क्या होता है, यानी कि वे क्या कर हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब ये मर कैसे जाते हैं, तापमान अधिक हो जाता है तो इनके जो क्षेत्र होता है, जो किस में रहते हैं, ये चूने में रहते हैं, चूने का जो खोल होता है उसी में यह अपना भोजन भी खाते हैं, नहीं चूना ही इनका मुख्य भोजन है। तापमान अधिक होने पर ये चूने को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, नहीं बना पाते हैं, और जिसके कारण भूखमरी से इनका इंतकाल हो जाता है, ठीक है ना, थोड़ा समझिए इसको। तो प्रवाल विरंजन क्या है, एक प्रकार के उनके मरने की प्रक्रिया को ही प्रवाल विरंजन कहा जाता है। दो नंबर का अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रवाल विरंजन क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि प्रवाल भित्ति जो अपना भोजन चूने पत्थर के रूप में, चूना के रूप में करते हैं, प्रकाश अधिक आने पर या तापमान में वृद्धि हो जाए, सागरीय तापमान में वृद्धि हो जाने के कारण उनको वह भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाती, जिससे वे अपने प्राण त्याग देते हैं या मर जाते हैं, तो और इसी प्रक्रिया को प्रवाल विरंजन के नाम से जाना जाता है। तो मुख्य मुख्य तीन चार ही बातें हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होना चाहिए, 25 डिग्री उत्तर 25 डिग्री दक्षिण में यह निवास करते हैं या रहते हैं, तापमान लगभग इनको 20 से 21 डिग्री अधिक से अधिक चाहिए, और गहराई इनकी कम होनी चाहिए, लगभग 200 से 300 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और
गहराई मीटर सॉरी सेंटीमीटर नहीं, प्रवाल के विकास के लिए स्वच्छ जल होना चाहिए, आरओ वाला नहीं, नॉर्मल स्वच्छ जल, ठीक है। सागरीय लवणता प्रवाल के लिए हानिकारक होती है, प्लस तापमान अधिक होना भी इसके लिए हानिकारक होती है। अब इसके अलावा आपके एक चीज़ एक और रह जाती है कि प्रवाल के प्रकार, ये चीज़ आपको समझ आएगी, हुई नहीं आए तो दो बार वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर प्रकारों की बात करें तो प्रवाल भित्ति मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। देखो मैंने पहले ही बता दिया आपको, वो जीव के प्रकार नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, उससे निर्मित जो द्वीप होते हैं, प्रवाल भित्ति से निर्मित जो द्वीप होते हैं, जैसे अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊँ कि दो तरह के द्वीप हमारे पास भी, यानी किसके पास, भारत के पास, एक तरफ है अरब सागर में, एक तरफ है बंगाल की खाड़ी में। जो बंगाल की खाड़ी में है वो कौन से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जो अरब सागर में वो लक्षद्वीप। तो जो लक्षद्वीप है वो एक प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है, ठीक है ना। तो वो जो द्वीप है, तो द्वीप के अलग अलग स्ट्रक्चर में किसका निर्माण होता है, प्रवाल भित्ति के अलग अलग स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। उन अलग अलग स्ट्रक्चरों को प्रवाल भित्ति के प्रकारों के रूप में बांटा गया। तो मुख्य रूप से तीन होते हैं, एक होता है तटीय प्रवाल भित्ति, देखो नाम से आपको पता चलेगा, जिन्होंने मेरी ऑफलाइन क्लासे ली है वो अच्छे से जानते हैं कि मैं अधिकतर वर्ड के ऊपर ज़्यादा जोर देता हूँ कि बच्चा सीधे उन वर्ड को ही समझ ले तो उसको डेफिनेशन याद हो जाए, अलग से रटने की या जरूरत नहीं पड़ती। देखो पहला है तटीय प्रवाल भित्ति, वो प्रवाल भित्ति का निर्मित द्वीप जो तट के एकदम समीप पाया जाए, ठीक है, तो वो हो गया। अब दूसरा कौन सा है, अवरोधी प्रवाल भित्ति, जो अवरोधक के रूप में कार्य करती है, जो तट के पास होती है। और तीसरा आता है एटोल, ये थोड़ा अलग प्रकार का है। अब थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन अपन चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चित्र को जितना समझोगे जल्दी, मैंने पहले ही कहा चित्र जिसको अच्छे से आता है, इमेजिनेशन जिसकी अच्छी है उसकी ज्योग्राफी परफेक्ट हो सकती है, जिसकी इमेजिनेशन अच्छी नहीं है, जो ख्वाब देखना नहीं जानता है, जो मतलब इमेजिनेशन नहीं कर सकता है, वो ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकता है, अकॉर्डिंग टू मी, नॉट कोई और के। देखें पहला कौन सा है, तटीय प्रवाल भित्ति जो एकदम तट के समीप पाया जाता है। मैंने पहले ही कह दिया आपको 200 से 300 मीटर की गहराई पर ही यह प्रवाल भित्ति पाई जाती है। तो जो तट के एकदम समीप पाई जाए, जो तट के एकदम समीप प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप होते हैं उसे तटीय प्रवाल भित्ति द्वीप कहते हैं। कैसे होते हैं तो यहाँ पर देखें आप अच्छे से, थोड़ा इस डायग्राम को जो मैंने ब्रैकेट में क्लोज किया है, देखें ये जो ब्लैक ब्लैक एरिया आपको जाली नुमा दिख रहा है, यह क्या है, एक प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है। ये जो भाग दिख रहा है यह प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है। ये जो भाग है यह सागरीय भाग है, और ये जो मैंने रेड रेड शाइट से कर रखा है, यह क्या है, स्थल भाग है, ठीक है ना। ये क्या है, स्थल भाग, ये क्या है, जलीय भाग, और इनके बीच में यानी कि जलीय क्षेत्र में कौन बनता है, तो प्रवाल भित्ति। तो ये जो है ये प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप है, ठीक है ना, यह द्वीप है। अब देखो इस द्वीप में कुछ आपको देखने को मिलेगा, जो सागरमुखी ढाल है, यानी कि कौन सा, ये वाला सागरमुखी ढाल, ये कैसा होता है, लंबवत या खड़ा होता है या तीखा होता है, सागरमुखी ढाल यानी कि सागर की ओर मुख करने वाला ढाल सागरमुखी ढाल कहलाता है। तो सागर तटीय प्रवाल भित्ति में सागरमुखी ढाल कैसा होता है, तीव्र खड़ा होता है, और स्थलमुखी ढाल यानी कि कौन सा, ये वाला ऊपर वाला, ये कैसा होता है, समतल और कम ढलान वाला होता है, ठीक है, जिससे कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है उसे बोलते हैं हम तटीय प्रवाल भित्ति, जिसमें सागरमुखी ढाल तीव्र एवं खड़ा होता है, जो कि एकदम तट के समीप पाया जाता है, और इसका स्थलमुखी ढाल कैसा होता है, मंद होता है, और यह एकदम समीप किसके पाए जाते हैं, तट के पाए जाते हैं, इसलिए इसको तटीय प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। यही इसकी डेफिनेशन, यही इसकी खास बात है। अगला देखते हैं, दूसरा आता है अवरोधी प्रवाल भित्ति। अवरोधी प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति तो आप जानते हैं, अवरोधी, अवरोधी यानी कि बीच में बाधा उत्पन्न हो जाना क्या कहलाता है, अवरोध कहलाता है। तो देखें इसमें क्या होता है, देखें ये स्थल भाग वापिस, ये सागरी भाग, और ये जो है वापिस, ये क्या बनाई, जो मैंने क्रॉस क्रॉस कर रखा है, मतलब जाली नुमा बना रखा है, यह क्या बना है, प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप। ये जो द्वीप है ये कैसे बना, देखो पहले तो क्या था कि जो स्थल भाग है वहीं से शुरू हो गई क्या, प्रवाल भित्ति, लेकिन अब क्या होता है, थोड़ा गैप हो जाता है, ये जो दिख रहा है ये गैप हो गया यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर भी जलीय भाग है, यहाँ से जलयान भी निकल सकते हैं, जलपोत भी निकल सकते हैं, नावें भी निकल सकती है, और आप तैर के भी जा सकते हो, ठीक है ना, हाँ समझे। इधर ये कौन सा है, सागरीय भाग, इसके भी यहीं पर, इसका भी ढाल कैसा होता है, सागरमुखी ढाल कैसा होता है, तीव्र होता है, सागरमुखी ढाल कैसा होता है, तीव्र होता है, खड़ा होता है, लेकिन स्थलमुखी ढाल भी तीव्र होता है। ये रहा देखो, स्थलमुखी ढाल भी कैसा होता है, तीव्र होता है, और इसके बीच में कैनियन का निर्माण होता है, कैनियन का निर्माण हो जाता है, और इस कैनियन को ही क्या कहते हैं,
एक गड्ढे एक गर्त नुमा एक लेगुन झील का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लेगुन झील, जानते हो लेगुन झील? लेगुन झील यानी कि जो एक स्थल भाग के पास में एक जलीय राशि का निर्माण हो जाता है, जिसमें वर्षा का जल या कि कहीं का भी सागर का या महासागर का जल आके निर्मित हो जाता है या बन जाता है, जिसमें एक झील का निर्माण हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? लेगुन झील। इसी के पास में लेगुन झील का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तो अवरोधी प्रवाल भित्ति। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी कि लेगुन झील से निर्मित या क्या कह सकते हैं अवरोधी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ, जो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के समीपवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। रीफ का मतलब आप समझ चुके हैं। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास पाई जाती है। और इसी का नाम क्या है? अवरोधी प्रवाल भित्ति। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है इसका, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब आता है एक और प्रकार। किसका? प्रवाल भित्ति का। यह होता है एटोल। अभी एटोल क्या है? कुछ इस प्रकार का जब सागरीय क्षेत्र में द्वीप का निर्माण होता है, ये कैसा है? ये घोड़े की नाल के समान। घोड़े की नाल जानते हो? ऐसे ये घोड़े की नाल के समान एटोल का स्ट्रक्चर होता है। जब मुंगा का द्वीप कुछ इस प्रकार से निर्मित हो कि एक सिरा तो खुला हो, बाकी तीन ओर से वो बंद हो, और उस एक सिरे से ही क्या आ जाए? जल। उस एक सिरे से ही क्या आ जाए? जल। इसकी आकृति कैसी होती है? तो घोड़े की नाल के समान होती है। कुछ इस प्रकार से बीच में सागरीय जल आ जाता है, यहाँ भी सागरीय जल होता है। जब यही भाग ऊपर उठ जाता है तो यहाँ पर पौधों का विकास हो जाता है, पौधे पनपने लग जाते हैं और ये द्वीप का निर्माण कर लेती है। आकृति कैसी होती है? घोड़े की नाल के समान निर्मित प्रवाल भित्ति द्वीप को एटोल कहते हैं। घोड़े की नाल के समान निर्मित द्वीप को प्रवाल भित्ति का कौन सा द्वीप कहते हैं? एटोल कहते हैं। ठीक है ना, जिसका एक सिरा खुला होता है और तीन सिरे बंद होते हैं, या तीन ओर से बंद होता है और एक ओर से यह खुला होता है। कहीं भी से खुला हो सकता है लेकिन एक सिरा जरूर खुला होगा, और इसी से यहाँ पर जल आ जाता है और यह भी क्या बना देते हैं? लेगुन झील का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो जो घोड़े की नाल के समान जो होता है वो एटोल, और जो बस लेगुन झील का निर्माण करे और तट से कुछ दूरी पर हो उसको बोलते हैं अवरोधी प्रवाल भित्ति। और एक और होती है तटीय, जो एकदम तट के समीप होती है उसे बोलते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। आई होप ये तीनों आपको समझ आए होंगे, तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधी प्रवाल भित्ति, एटोल। ज़्यादातर इसके बारे में पूछा जाता है, तो आप सीधा सा सिंपल सा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसकी आकृति घोड़े की नाल के समान हो उसे बोलते हैं एटोल, जिससे निर्मित द्वीप होता है, जो आमने सामने एक द्वीप खड़ा हो जाता है और बीच में गहरी खाई नुमा होते हैं। ज़्यादा गहरा नहीं होता है, एकदम गहरा नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसी से निर्मित द्वीप को क्या कहते हैं? एटोल, जो कि प्रवाल भित्ति के संबंधित है। ये तीन मेन है, इसके अलावा और कोई ज़्यादा है नहीं। तो आप चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देखा करो कभी दिक्कत हो तो। और आई होप ये प्रवाल भित्ति से संबंधित पूरा चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। इसमें अपनों ने अध्ययन किया प्रवाल भित्ति कहते किसको हैं, क्यों उत्पन्न होती है, और क्या है मुंगा द्वीप, और क्या है इसके विकास की दशाएं, और क्या है इनके प्रकार। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।